नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लिखना सिखाऊंगी ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। देखो बच्चों, दो लाइन के बीच से स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्लीपिंग लाइन, फिर बाद में उल्टा सी और एक नॉट। र लिखते हो ना, हिंदी का र, र से रथ, वैसे करना है। ये थोड़ा सा लंबा करना है और फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये है ज्ञ। और एक बार देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते हो तो आप पहले स्टैंडिंग लाइन बना सकते हो, फिर बाद में स्लीपिंग लाइन, उल्टा सी, नॉट या फिर र, ये है ज्ञ। देखो बच्चों, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये ज हो जाएगा, ज से जहाज। और यहाँ बीच से तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना, ये रॉन्ग है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इसी तरह आपको ज्ञ लिखना है। तो आज हम बनाएंगे ज्ञ से यज्ञ। हवन करते हैं ना, पूजा वगैरह मंदिरों में, तो वो है यज्ञ। बहुत सारी लकड़ियाँ भी डालते हैं ना उसमें यज्ञ में, उनको जलाते हैं। य से यज्ञ भी आता है, ज्ञ से यज्ञ भी आता है। आप चाहो तो यहाँ थोड़ा डिज़ाइन बना सकते हो। रंगोली निकालते हैं ना हवन में, ये है यज्ञ। या फिर ज्ञ से ज्ञानी तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। आप अपनी कोई भी नोटबुक का चित्र बना सकते हो, बहुत सारे नोटबुक्स, बुक्स, एक के ऊपर एक रखे हुए नोटबुक्स। ठीक है, ज्ञान, हमें बुक से ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज, उसे ज्ञान बोलते हैं। यज्ञ ज्ञान। अब मैं आपको कॉपीराइटिंग बुक में कैसे लिखते हैं सिखाऊंगी। इसके लिए आप ओपन कीजिए पेज नंबर 86। ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। पहले करेंगे ट्रेसिंग। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से यज्ञ। ट्रेसिंग खत्म होने के बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से यज्ञ। इस तरह आपको ये पेज कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।